हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9, जो ये कहती है कि कोई भी पत्नी अपने पति को छोड़कर के मायके चली जाती है और बिना किसी उचित कारण के अपने मायके में रहती है या अपने पति से अलग रहती है, तो इस धारा के अंतर्गत कोर्ट में कार्रवाई करके पत्नी को वापस लाने के लिए धारा 9 का आवेदन लगाया जा सकता है। यह आवेदन कहाँ लगाया जाएगा, इससे संबंधित हम बात करते हैं। तो यह जिले की किसी भी न्यायालय में या जहाँ पर कुटुंब न्यायालय है वहाँ पर कुटुंब न्यायालय में यह आवेदन लगाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि यदि बिना कोई युक्ति युक्त कारण के यदि पत्नी अपने मायके में रह रही है तो न्यायालय के द्वारा यह आदेश कर दिया जाएगा कि वह अपने पति के साथ रहे। लेकिन यदि कोई युक्ति युक्त कारण हुआ, अर्थात पति के द्वारा मारपीट की गई हो, गाली गलौज की गई हो, उसके भरण पोषण का उचित इंतजाम नहीं किया गया हो या अन्य कोई ऐसा कारण हो, पति के द्वारा जारता कर्म किया गया हो या किसी भी प्रकार की क्रूरता यदि पत्नी के साथ की गई है, तो ये माना जा सकता है कि ये युक्ति युक्त कारण है जिसके वजह से पत्नी जो है अपने मायके में रह रही है। लेकिन यदि ऐसा कोई युक्ति युक्त कारण नहीं है तो न्यायालय आदेश कर सकेगा कि पत्नी पति के साथ रहे। इस प्रकार से हमने ये देखा यहाँ पर कि कौन से ऐसे कारण होते हैं जो युक्ति युक्त कारण में कहे जाते हैं। हम यहाँ पर ये देखते हैं, वैसे एक मामला है जिसमें हुआ क्या था कि पत्नी के साथ जो है क्रूरता की गई थी, मारपीट की गई थी, तो पत्नी के पिता ने उसकी पुत्री को जो है वापस बुला लिया था, यानी कि धारा 100 यानी 100 CRPC के अंतर्गत अपनी पुत्री को उसने अपने कब्जे में ले लिया था। तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि ये जो है लड़की के साथ क्रूरता की गई थी। अब यहाँ पर बात आती है कि प्रमाण भार यानी कि प्रमाणित करने का भार किसका होता है। तो प्रमाणित करने का भार जो आवेदन लगा रहा है उसका होता है। यदि पति ये कहता है कि ये बिना किसी युक्ति युक्त कारण के रह रही है अपने मायके में, तो ये पति को साबित करना है। और यदि पत्नी ये कहती है कि युक्ति युक्त कारण है जिसके वजह से मैं जो है इस व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, तो ये पत्नी को साबित करना है। पत्नी को ये बताना पड़ेगा कि यदि उसके साथ क्रूरता की गई है तो क्या उसने थाने में रिपोर्ट की इस संबंध में, या अपने पड़ोसियों को या रिश्तेदारों को या मायके में किसी को बताया। मान लेते हैं लड़की से दहेज की मांग की गई, तो दहेज की मांग की गई होगी तो इससे संबंधित कुछ ना कुछ साक्ष्य तो रिकॉर्ड पर होगी। यदि रिकॉर्ड पर नहीं है तो ये माना जाएगा कि उससे कोई दहेज की मांग नहीं की गई। इस तरह से हमने ये देखा जिला न्यायालय में इसका आवेदन लगाया जा सकता है। इसमें जो है बिना किसी कारण के जो है अनुचित विलंब नहीं होना चाहिए इस आवेदन को लगाने में, इस बात को ध्यान में रख करके आवेदन लगाया जाए। अच्छा, एक बात और है यहाँ पर कि मान लेते हैं न्यायालय ने डिग्री पारित कर दी और ये कहा गया, न्यायालय ने अपने आदेश में ये कहा कि जो है लड़की को जाके और अपने पति के साथ रहना चाहिए, यानी कि पत्नी को अपने पति के साथ जाकर के रहना चाहिए। यदि ऐसा आदेश किया है तो इसका जो है प्रवर्तन कराया जा सकता है धारा 21 के अंतर्गत, आदेश 21 नियम 32 के अंतर्गत। यदि मान लेते हैं कि ये आदेश होने के बाद भी पत्नी जो है इस आदेश का पालन नहीं करती है, तब जो है
आगे की क्या कार्रवाई होगी ये हम समझ लेते हैं। यदि एक साल तक पत्नी ने न्यायालय के उस आदेश का पालन नहीं किया तो एक साल बाद पति को उससे उस पत्नी से जो है तलाक लेने का आधार उत्पन्न हो जाता है और इस प्रकार से वो जो है तलाक ले सकता है। अब युक्तियुक्त कारण की हम बात करें कि कोई भी कुछ भी कह सकता है कि साहब इनने तो हमको गाली दी या ये कह दिया वो कह दिया, तो साधारण सी बात यदि घर में हो जाती है, वैवाहिक जीवन के घटनाक्रम में कोई ऐसी बात हो जाए छोटी मोटी कोई बात, तो उसे क्रूरता की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। यदि पति अपनी पत्नी से रकम मांगता है या जेवर ले जाता है तो इसको क्रूरता नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये तो घर गृहस्थी के मामले हैं, जिसको जैसी जरूरत लगेगी, पैसे की आवश्यकता कहां लगेगी, इन सब बातों पर डिपेंड करता है। इस प्रकार से आज हमने देखा धारा 9 के अंतर्गत कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं और किस तरह से पत्नी को वापस लाने के लिए न्यायालय में कार्रवाई की जा सकती है। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि कार्रवाई कौन से न्यायालय में की जाएगी। इसके लिए ये है कि पति पत्नी जहां आखिरी बार साथ रहे हों उसके आसपास का जो न्यायालय हो, जो न्याय क्षेत्र लगता हो, उसमें कार्रवाई की जा सकती है। वर्तमान में पति जहां रहता है वहां हो सकती है कार्रवाई, या वर्तमान में जहां पत्नी रह रही है वहां पर उस कोर्ट में कार्रवाई हो सकती है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब भी कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।